हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वी फोर वीडियोज़। तो अभी जल्दी मैंने एक वीडियो बनाया था इसी 6 वोल्ट एल्कलाइन बैटरी पावर्ड स्क्रू ड्राइवर के ऊपर, जिसमें मैंने इस स्क्रू ड्राइवर को कंपेयर किया था एक मैनुअल स्क्रू ड्राइवर से, और वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इस 6 वोल्ट एल्कलाइन बैटरी पावर्ड स्क्रू ड्राइवर के अंदर क्या होता है और इसके अंदर इतनी ताकत आती कहाँ से है कि ये किसी स्क्रू को बिना होल के एक लकड़ी में कैसे कस देता है। तो वो तो हमें तभी मालूम चलेगा जब ही हम लोग इसे ओपन करके देखेंगे। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। स्क्रू ड्राइवर को एक स्क्रू ड्राइवर ही ओपन करता है ना मज़ेदार बात। तो यहाँ पे इस क्लिप को निकालना है और बड़े ही आसानी से ये बैटरी वाला स्क्रू ड्राइवर ओपन हो जाएगा। जी हाँ, बस एक क्लिप निकालने से। मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला भाग देखते हैं, उसको नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिले गियर्स जो कि कनेक्ट किए गए हैं एक 6 वोल्ट की मोटर से। ये देखो, ये है मोटर। तो देखा आप लोगों ने मोटर कितनी तेज घूमती है, लेकिन यहां पे इसकी रफ्तार को ताकत में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन्हीं गियर्स के जरिए। मैं आपको इसे पूरा ओपन करके दिखाता हूं। तो जब भी मैंने इसे पूरा ओपन किया, यहाँ पे केवल और केवल मोटर है और कुछ भी नहीं। जी हाँ, केवल और एक केवल मोटर, जिसे कि डायरेक्ट सप्लाई दी जाती है 6 वोल्ट की 4 सेलों के थ्रू। ये देखो। तो क्या आपने सोचा था कि इसके अंदर केवल और केवल एक मोटर ही होगी? आप लोग तो सोच रहे होंगे कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, है ना। तो चलिए इसे बिना कवर के चला के चेक करते हैं। तो ये मोटर बिना कवर के नहीं चल पा रही है, पता नहीं कहाँ पर दिक्कत आ रही है। ये देखो, नहीं चल रही है। तो मुझे लगा इसका पूरा कवर ही लगाना पड़ेगा। तो ये आप लोग ध्यान से देख लो, यहाँ पे मोटर का मॉडल लिखा हुआ है और भी काफ़ी कुछ डिटेल्स लिखी है। जॉनसन कंपनी की 6 वोल्ट की डीसी मोटर है ये। तो वापस इसे पैक कर देते हैं। तो पैक करने पर ये चलने लगी। तो ये इसका दूसरा पार्ट जो कि सबसे मेन पार्ट है, इसके गियर्स, ये देखो, जो कि कनेक्ट किए गए हैं इसी मोटर से। देख लो, ये मोटर की पावर इन तीनों गियर्स में जाती है। तो मैं इसे वापस से कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे गियर्स कुछ ऐसे घूम रहे थे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं तीसरा पार्ट, ये रहा, जिसमें फिर से लगे हुए छोटे गियर्स और इन छोटे गियर्स के पीछे लगा हुआ एक बड़ा गियर्स। तो जब छोटे गियर्स से पावर बड़े गियर में जाती है तो वो उसमें ज़्यादा टॉर्क बनता है, जिसकी वजह से जो हमारे मोटर का हेड है उसमें बहुत सारी पावर आती है और वो आसानी से किसी स्क्रू को कस देती है। हो सकता है मैंने समझाने में थोड़ी सी गलती कर दी हो, लेकिन यहाँ पे सब टॉर्क का ही खेल है, क्योंकि यहाँ पे गियर्स की वजह से टॉर्क ज़्यादा होता है और मोटर ज़्यादा पावर के साथ किसी स्क्रू को टाइट करती है। आप लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को गियर वाले डीसी मोटर भी बोल सकते हैं। फिर से मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा, जब रोटेशंस को छोटे गियर से बड़े गियर में ट्रांसफ़र करते हैं तो बड़ा गियर धीमी स्पीड से घूमता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पावर भी होती है। आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए YouTube पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ गियर एंड टॉर्क। इन दोनों चीज़ों को जानने के बाद आप अच्छी तरीके से इस मोटर की वर्किंग को समझ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर से करना, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।